पहला वनडे इंटरनेशनल बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड इंडिया ख़त्म हुआ। बहुत ही ज़बरदस्त मैच। सबसे पहले तो दाद देनी पड़ेगी जो पिच तैयार की गई लखनऊ में इस मैच के लिए। बहुत ज़बरदस्त पिच, बॉलर्स के लिए भी कुछ था, पेस और बाउंस भी था, स्पिनर्स के लिए टर्न काफ़ी था। आपने शम्सी की बॉलिंग देखी, वी सॉ कुलदीप यादव गेटिंग अ लॉट ऑफ परचेस फ्रॉम द पिच, और बैट्समैन के लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। उन्होंने दिखाया कि एक बार आप जब सेट हो जाएं, देन यू कैन एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूट अ वेरी सिग्निफिकेंट इनिंग्स। क्लासन ने करके दिखाया और डेविड मिलर ने कर करके दिखाया। साउथ अफ्रीका का स्टार्ट इतना हम कह सकते हैं थोड़ा सा डॉजी था। आफ्टर 15 ओवर्स दे वर 70 for 2 एंड क्विकली सून आफ्टर दैट दे वर 71 for 3 एक्चुअली माक्रम के जाने के बाद। मगर उन्होंने अपने आप को काफ़ी टाइम दिया क्योंकि वन डे इंटरनेशनल गेम था, सो यू हैव अपॉर्चुनिटीज टू मेक ए कमबैक। और मिलर ने और क्लासन ने एक बहुत ज़बरदस्त पार्टनरशिप तैयार की। दे कम केम इन व्हेन द स्कोर वाज एट 110 और दे टुक साउथ अफ्रीका टू 249 आफ्टर 40 ओवर्स, विच इज़ ऑब्वियसली इज ग्रेट अचीवमेंट। इंडिया की बॉलिंग की थोड़ी बात करते हैं। I was actually very impressed by Mohammad Siraj. Unki jo death bowling jo India ka ek concern hai, I think Mohammad Siraj can actually be a reasonable replacement for Bumrah in the upcoming T20 World Cup. Aap compare to nahi kar sakte, obviously Bumrah ki to class hi alag hai, but considering the challenges that India is going through, I think Mohammad Siraj is not a bad option to bowl at the death. रवि बिश्नोई को काफ़ी फेंटी पड़ी। ही वेंट फॉर अराउंड 69 रन्स फॉर इन हिज 8 ओवर्स, बट ही स्टिल अ यंग गाय एंड इट इज अ लॉन्ग रोड अहेड ऑफ हिम। आई लाइक द लुक ऑफ हिम। कुलदीप यादव, ही इज रियली वन ऑफ माय फेवरेट बॉलर्स। ही बोल वन ऑफ दोज बाबर आजम बॉल्स टू माक्रम जो स्पिन करके यू नो ही फाउंड द गैप बिटवीन बैट एंड पैड एंड बोल्ड हिम। Beautiful delivery. I think it's like only something that he can do in the current cricketing world. Disastrous start for India. Absolute disaster. Pehli wicket giri 8 run pe, dusri wicket giri phir 8 run pe, teesri wicket 48 pe. Ek situation ye thi that India was 51 for 4 after 18 overs. Magar jis tarah maine pehle bola ke aap agar is pitch pe if you take your time and you get yourself set, then you actually have opportunities to score here. Or Sanju Samson ki kya zabardast innings, 86 from 63 balls, absolutely marvelous innings with really good support from Shreyas Iyer and Shardul Thakur, jinki bahut zabardast innings thi. Agar aap worm dekhen to India ka koi chance nazar nahi aa raha tha, bilkul koi दूर दूर से भी। इट वॉज नॉट कंसीवेबल कि इंडिया वुड बी एबल टू चेस दिस टोटल डाउन, मगर बहुत क्लोज आए आखिरी ओवर में भी। मतलब दे नीडेड समथिंग लाइक 30 रन्स और सो एंड एंडेड अप स्कोरिंग 20 ऑफ देम। आई थिंक इट वॉज एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट अटेम्प्ट एट इट। मगर अगर आप देखें संजू सैमसन का वैगन व्यू, मोस्टली ही वॉज एमिंग थ्रू टूवर्ड्स मिड विकेट। उनका लगता है स्ट्रॉन्ग सूट है और साउथ अफ्रीका ने परहैप्स इतना होमवर्क नहीं किया हुआ था उनके खिलाफ। ही मोस्टली यूज द पुल शॉट टू हिज एडवांटेज। आउट ऑफ द 86 रन्स, 48 रन्स उन्होंने मिड विकेट में हासिल किए एंड ऑल्सो डीप मिड ऑन मे बी 10 रन उन्होंने हासिल किए। तो काफ़ी लेग साइड डोमिनेंट इनिंग्स थी, मगर बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग्स, ज़बरदस्त हिटिंग, ज़बरदस्त पेसिंग। बस वो सोने पर सुहागा रह गया था, चेरी ऑन द टॉप कह दें कि इफ इंडिया वुड हैव वन द गेम दिस वुड हैव बीन इवन बेटर, बट रियली प्रोमिसिंग साइंस। रियली गुड गेम, थर्ली इन्जॉयड इट and looking forward to the next one. Promising signs, my biggest takeaway India ke liye, death bowling is not as bad as I thought it was going to be. The fielding leaves a lot to be desired. India ne 3 catches drop kiye at crucial stages, jo ke at the end turned out to be
वो कहते हैं ना कैचेस विन मैचेस, इन दिस केस प्रोबेबली इट प्रूव टू बी ट्रू. चलें एनी वेज, ही इज होपिंग फॉर बेटर शो इन द नेक्स्ट गेम. आई सी वेरी प्रोमिसिंग साइंस फॉर इंडिया. थोड़ी सी अजीब सी सीरीज लग रही है क्योंकि मेरे ख्याल से हर किसी का अभी जो मूड है ना T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो गया है. ये पता नहीं वन डे इंटरनेशनल सीरीज कहाँ से आ गई, मगर एनी वेज वी विल इन्जॉय इट एज लॉन्ग एज इट्स हेयर. Anyways, thank you very much for watching. Please don't forget to like and subscribe, and I will see you in the next one. Cheers.